प्यार जब हद से गुजर जाए तो पूजा बन जाता है, और पूजा बहक जाए तो जुनून। ये कहानी भी इश्क के जुनून की कहानी है। इसमें वो सच्चाई है जो लैला मजनू के मोहब्बत में थी, वो दीवानगी भी है जो रोमियो जूलियट के दिल में थी, वो तड़प भी है जो हीर रांझा के गीतों में थी। मगर इसमें एक बात और भी है, वो बात जो आज तक किसी प्रेम कहानी में नहीं आई, डर। इस बहते हुए लहू की कसम, इस नाम की कसम जो मेरे दिल पे लिखा है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना। मैंने मारा है उसे, जाती हो तुम्हारी वजह से कितने लोग मरे, पहले वो पुलिस वाले, फिर मेरा दोस्त विकी और अब सुनील। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था यश चोपड़ा ने, तथा इसकी कहानी व पटकथा लिखी थी हनी ईरानी ने। जावेद सिद्दीकी के दमदार संवादों से सजी तकरीबन 2 घंटे 57 मिनट लंबी यह फिल्म 24 दिसंबर 1993 को रिलीज की गई थी। इसके प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे सनी देओल, जूही चावला, शाहरुख खान, अनुपम खेर, दलीप ताहिल, तन्वी आजमी, अन्नू कपूर, विकास आनंद आदि। फिल्म डर अपनी शानदार गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके धुन तैयार किए थे शिव हरि ने तथा बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के ऑडियो एल्बम में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे जादू तेरी नजर, तू मेरे सामने, दरवाजा बंद कर लो, इश्क दा बुरा रोग, लिखा है ये हवाओं में, 16 बटन मेरी चोली में, और अंग से अंग लगाना। फिल्म के इन गीतों में अपनी मखमली आवाज दी थी लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति, अभिजीत, अलका याग्निक, उदित नारायण, विनोद राठौड़, ए हरिहरन, सुदेश भोसले, देवराज पंडित और पामेला चोपड़ा ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म डर साल 1993 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 3,25,00,000 रुपये तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 11.5 करोड़ रुपये कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म आंखें, जिसने 14 करोड़ रुपये कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा दूसरे स्थान पर रही फिल्म खलनायक, जिसने 12.5 करोड़ रुपये कमाए और सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म डर के बनने में उदय चोपड़ा और ऋतिक रोशन की बेहद अहम भूमिका रही थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दिन दोनों साथ में बैठे डेड काल्म नामक एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म देख रहे थे। अभी फिल्म का क्लाइमेक्स चल ही रहा था कि वहां यश चोपड़ा आ पहुंचे। दोनों ने यश चोपड़ा से कहा कि यह फिल्म बड़ा ही जबरदस्त है, आपको भी ऐसे ही कोई फिल्म बनानी चाहिए। उन दिनों फिल्म लम्हे के फ्लॉप होने के बाद यश चोपड़ा किसी रोचक कहानी के तलाश में थे, अतः उन्होंने सोचा कि चलो इसे ही देख लिया जाए, शायद कोई नया शगुफा मिल जाए। इस तरह से फिल्म को शुरू करके फिर से लगाया गया और तीनों बैठकर देखने लगे। फिल्म सचमुच ही बड़ा जबरदस्त थी। अगले ही दिन यश चोपड़ा ने अपने बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा को भी फिल्म दिखाई और उन्हें भी यह फिल्म बेहद ही पसंद आई। इस तरह से यश चोपड़ा के पास एक नया आइडिया आ चुका था, जो कि एक जुनूनी प्रेमी के इर्द गिर्द घूमती थी। फैक्ट नंबर 3, जिस प्रकार इस फिल्म के शुरुआत होने में उदय चोपड़ा और ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा हाथ था, उसी तरह इसके नामकरण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बारे में उदय चोपड़ा कहते हैं कि जब मैं और ऋतिक रोशन फिल्म डेड काल्म को देख रहे थे, तो ऋतिक ने मुझसे कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इसी तरह की एक फिल्म बनाऊंगा जिसका नाम मैं डर रखूंगा। इसके अलावा आपको यहाँ यह जानकर भी बड़ी हैरानी होगी कि शुरू में इस फिल्म का नाम
किरण रखा जाना था, जो कि फिल्म के नायिका और इसके प्रसिद्ध डायलॉग आई लव यू किरण से प्रेरित था। हालांकि आई लव यू किरण के इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नयापन नहीं था। वास्तव में इससे पहले ठीक ऐसा ही एक डायलॉग नसीरुद्दीन शाह की साल 1986 में आई फिल्म शर्त में भी सुनने को मिला था। बहरहाल इस डायलॉग में कुछ नया था तो वो था शाहरुख खान इसे हकलाते हुए बोलते हैं, जो कि उन्होंने यश चोपड़ा के बोलने के तरीके से प्रभावित होकर जोड़ा था। खैर, जब यश चोपड़ा ने डर नाम के साथ इस फिल्म की घोषणा कर दी तो उस दौर के डरावनी फिल्मों के निर्माता राम से ब्रदर्स ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि वो इस नाम को पहले ही रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। यश चोपड़ा ने इस बाबत राम से ब्रदर्स से बातचीत की और कुछ ले देकर मामले को सुलझा लिया गया और उन्हें डर टाइटल प्रयोग करने की इजाजत मिल गई। फैक्ट नंबर 4, साल 1992 में जब यश चोपड़ा ने डर फिल्म की घोषणा की तो इसके लीड कास्ट के तौर पर सनी देओल, जूही चावला और आमिर खान को लिया गया था। गौरतलब है कि फिल्म में शाहरुख खान के द्वारा निभाई गई भूमिका पहले आमिर खान निभाने वाले थे, लेकिन ऐसा न हो सका। इस संबंध में यश चोपड़ा बताते हैं कि आमिर ने शुरू में तो हामी भर दी थी, लेकिन जल्द ही वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के कहने पर आ गए कि अगर वो अपने करियर के शुरुआती दौर में ही नकारात्मक भूमिकाएं करने लगे तो एक नायक के तौर पर उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो जाएगी। इस तरह से आमिर खान ने फिल्म को ना कह दिया। आगे यश चोपड़ा बताते हैं कि इसके बाद उस भूमिका के लिए संजय दत्त और अजय देवगन से भी संपर्क किया गया था। संजय दत्त को फिल्म की कहानी पसंद भी आई थी, पर उन्होंने फिल्म को यह कहते हुए मना कर दिया था कि वो इसी तरह की एक नकारात्मक भूमिका वाली फिल्म खलनायक में काम कर रहे हैं। बात करें अजय देवगन की तो उनका हाल भी आमिर खान से जुदा नहीं था। वो भी अपने कैरियर के शुरुआत में नकारात्मक भूमिका करने से बचना चाहते थे। इस संबंध में आज की फेम राहुल रॉय का भी जिक्र कुछ यूं आता है कि पिछले साल उन्होंने दी कपिल शर्मा शो में यह कहते हुए सभी लोगों को सन्न कर दिया था कि वास्तव में शाहरुख खान वाली भूमिका उन्हें ध्यान में रखकर लिखी गई थी, पर अन्य कई फिल्मों में व्यस्तता के कारण वो इस फिल्म को नहीं कर पाए। खैर, आमिर खान, संजय दत्त और अजय देवगन ने जब फिल्म को मना कर दिया तो यश चोपड़ा ने शाहरुख खान से संपर्क किया। फिल्म की कहानी सुनाने से पहले ही यश जी ने शाहरुख खान से कहा कि फिल्म में आपकी भूमिका नकारात्मक होने वाली है। शाहरुख खान ने हंसते हुए कहा, चोपड़ा साहब, यह मेरी कोई पहली फिल्म नहीं होगी जिसमें मैं एक नकारात्मक किरदार निभा रहा हूँ। वास्तव में अभी कुछ ही दिन पहले ही मैं अंजाम और बाजीगर जैसी दो फिल्में साइन की हैं जिसमें मेरा किरदार नकारात्मक ही है। अगर आपकी कहानी उन फिल्मों से अलग है तो मुझे आपके साथ काम करने में खुशी होगी। जब यश चोपड़ा ने फिल्म की कहानी शाहरुख खान को सुनाई तो उन्हें यह कहानी काफी हद तक अंजाम जैसी ही लगी, लेकिन शाहरुख यश चोपड़ा जैसे दिग्गज फिल्मकार के साथ काम करने का मौका नहीं खोना चाहते थे, अतः उन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी। फैक्ट नंबर 5, अब चलते हैं फिल्म के नायक सनी देओल की तरफ और जानते हैं कि उन्होंने इस फिल्म को खुशी खुशी साइन तो कर लिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसके बाद उन्होंने यश चोपड़ा और शाहरुख खान के साथ दोबारा काम न करने की कसम खा ली। दरअसल शुरू में जब यश चोपड़ा ने सनी देओल को इस फिल्म के लिए संपर्क किया तो उन्होंने दो भूमिकाओं के विकल्प उन्हें दिए। पहला नेवी ऑफिसर सुनील मल्होत्रा का और दूसरा जुनूनी प्रेमी राहुल मेहरा का। सनी देओल, जो कि उन दिनों एक धाकड़ नायक के तौर पर काफी चर्चित थे, अतः उन्होंने अपने छवि के अनुसार नेवी ऑफिसर बनना ही मुनासिब समझा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी नायक की यह भूमिका आगे चलकर इतनी बदल दी जाएगी कि वो फिल्म में एक शो पीस बनकर रह जाएंगे और नकारात्मक भूमिका में होने के बावजूद शाहरुख खान सारी बावाही लूट लेंगे। बहरहाल जब इस फिल्म की शूटिंग का अंतिम चरण गुजरने लगा तो सनी देओल को इस बात का अनुमान हो गया कि उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। दरअसल फिल्म के क्लाइमेक्स के एक सीन के दौरान सनी को शाहरुख खान के द्वारा चाकू मारते दिखाया जाना था। जब इसकी शूटिंग हो रही थी तो सनी देओल ने इसका विरोध किया और कहा कि चोपड़ा साहब, यह कैसे संभव है कि एक प्रशिक्षित नेवल कमांडो को एक अदना सा लड़का चाकू मार दे और वो कुछ कर भी ना पाए। इस पर यश चोपड़ा ने कहा कि इसका कारण आपको अगले दृश्य में पता चल जाएगा, फिलहाल आप स्क्रिप्ट के अनुसार आगे बढ़ें।
कहा जाता है कि उस दृश्य के शूटिंग के दौरान सनी देओल ने गुस्से में आकर अपना हाथ पतलून के अंदर डाल लिया था और गुस्से की अधिकता के कारण उन्होंने पतलून के दोनों जेब फाड़ डाले थे। खैर, इसके बाद सनी ने फिल्म की शूटिंग जैसे तैसे पूरी की और ठान लिया कि वो भविष्य में कभी भी इनके साथ काम नहीं करेंगे। फैक्ट नंबर 6, बात करें फिल्म के मुख्य नायिका की तो यह भूमिका शुरू में श्रीदेवी को ऑफर हुई थी, पर वो फिल्म लम्हे के बाद यश चोपड़ा के साथ एक अन्य फ्लॉप फिल्म करना नहीं चाहती थी। इस तरह से उन्होंने इसे बहाना बनाकर मना कर दिया। ऐसे में उन दिनों की दूसरी श्रीदेवी के नाम से मशहूर दिव्या भारती से संपर्क किया गया, लेकिन उनके साथ भी बात नहीं बन पाई। इसके पीछे कहानी कुछ यूं मशहूर है कि आमिर खान फिल्म की नायिका के तौर पर दिव्या भारती के जगह पर जूही चावला को चाहते थे, क्योंकि इससे पहले उनकी जोड़ी की फिल्म कयामत से कयामत तक बेहद ही कामयाब रही थी। खैर, काफी खींचातानी के बाद यश चोपड़ा ने आमिर खान के कहे अनुसार जूही चावला को तो साइन कर लिया, पर संयोग देखे कि जिस आमिर ने जूही के नाम की सिफारिश की थी वो ही अंत में इस फिल्म का हिस्सा नहीं रहे। फैक्ट नंबर 7, कहा जाता है कि साल 1996 में आई मार्क वॉलबर्ग स्टारर मशहूर अमेरिकन फिल्म फियर डर फिल्म से प्रभावित होकर बनाई गई थी, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हाँ, सबूत के तौर पर आप यह कह सकते हैं कि फियर फिल्म के कुछ दृश्य डर से मिलते जुलते नजर आते हैं, लेकिन दोनों के कहानियों में कई असमानताएं भी हैं। मसलन, डर फिल्म में दो नायक हैं जबकि फियर में सिर्फ एक ही नायक है। साथ ही दोनों फिल्मों के क्लाइमेक्स में जमीन आसमान का अंतर है। इसके अलावा इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस प्रकार फिल्म डर ने डेड कॉल्म से प्रेरणा ली थी, संभवतः फियर ने भी उससे ही प्रेरणा ली हो। फैक्ट नंबर 8, फिल्म के एक दृश्य में अनुपम खेर और तन्वी आजमी के किरदार स्टेडियम में बैठे क्रिकेट मैच देखते नजर आते हैं। दरअसल यह तत्कालीन बम्बई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा तीसरा टेस्ट मैच था। बताता चलूं कि यह मैच 19 फरवरी 1993 से लेकर 23 फरवरी 1993 के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने एक पारी और 15 रनों से विजय हासिल की थी। फैक्ट नंबर 9, फिल्म के अनुसार किरण बनी जूही चावला शिमला में पढ़ती है, लेकिन फिल्म के शुरू में जूही चावला का जो कॉलेज कैंपस दिखाया गया है वो शिमला में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही इसके अगले ही दृश्य में जब किरण ट्रेन से घर लौट रही होती है तो साफ साफ पता चलता है कि यह मैंड्रियन ओरिएंटल ट्रेन वास्तव में स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रही है। इसके अलावा भी फिल्म के कुछ अन्य दृश्यों में सनी देओल, जूही चावला और शाहरुख खान के किरदार स्विट्जरलैंड का सैर करते नजर आते हैं। गौरतलब है कि फिल्म में सनी देओल बिना जूही चावला को बताए ही स्विट्जरलैंड के हनीमून ट्रिप का प्लान कर लेते हैं, जबकि सच यह है कि स्विट्जरलैंड का वीजा पाने के लिए आपको कम से कम 20 दिन पहले आवेदन करना पड़ता है और सत्यापन के समय सशरीर आपको उपस्थित होना पड़ता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जूही चावला को वीजा मिला तो मिला कैसे। फैक्ट नंबर 10, ऋषि कपूर अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखते हैं कि यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म के दोनों नायकों के किरदार ऑफर किए थे और कहा था कि आप इनमें से जो भी चाहे एक चुन लें। वास्तव में उन दिनों ऋषि कपूर नायक की भूमिका के लिए ज्यादा उम्र दराज हो गए थे और इस प्रकार की फिल्मों से किनारा करने का विचार कर रहे थे, अतः उन्होंने बतौर नायक नई फिल्मों को नकारना शुरू कर दिया था। खैर, ऋषि कपूर ने फिल्म को तो ना कह दिया, लेकिन यश चोपड़ा को सलाह दिया कि मेरी पिछली फिल्म दीवाना में शाहरुख नामक एक लड़के ने जबरदस्त काम किया है, आप उसे क्यों ट्राई नहीं करते। फैक्ट नंबर 11, फिल्म डर का संगीत दिया था प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार शिव प्रसाद शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया ने, जिन्होंने अपने कैरियर में ज्यादातर यश चोपड़ा के साथ ही काम किया था। ये फिल्म यश चोपड़ा और शिव हरि के साथ में आखिरी फिल्म साबित हुई। दरअसल दोनों संगीतकार अक्सर शास्त्रीय संगीत के कॉन्सर्ट किया करते थे और उन्हें फिल्मों में संगीत देने का समय मुश्किल से ही मिल पाता था। ऐसे में उन्होंने फिल्म डर के बाद यश चोपड़ा से कहा कि वो अपने शास्त्रीय संगीत पर ध्यान देना चाहते हैं, अतः अब उनकी फिल्मों का संगीत नहीं बना पाएंगे। यश चोपड़ा ने उनकी बात मान ली और डर के बाद शिव हरि ने किसी और भी हिंदी फिल्म के लिए कभी भी संगीत नहीं दिया। फैक्ट नंबर 12,
फिल्म डर का संगीत साल 1993 का दूसरा सबसे लोकप्रिय संगीत साबित हुआ, जिसकी करीब 35 लाख कॉपियां बिक गई और ये फिल्म दिलवाले के बाद दूसरी सबसे लोकप्रिय एल्बम साबित हुई। कहा जाता है कि फिल्म के संगीत से यशराज फिल्म्स को करीब 10.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। इसके अलावा गीतमाला कार्यक्रम में डर फिल्म के गीत जादू तेरी नजर को तीसरा स्थान हासिल हुआ था। फैक्ट नंबर 13, कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला बताती हैं कि उन्होंने फिल्म डर में जूही चावला के तांडव नृत्य वाले दृश्य के लिए कॉस्ट्यूम महज 2.5 घंटे में ही तैयार कर लिया था। दरअसल उन्हें सुबह यश चोपड़ा का फोन आया कि एक अर्जेंसी है और वो तत्काल यशराज स्टूडियो में पहुंच जाएं। वहां पहुंचकर यश चोपड़ा ने उन्हें एक सीन के बारे में बताया जिसकी शूटिंग उसी दिन होनी थी, इसलिए उन्हें ड्रेस भी तुरंत ही चाहिए था। नीता लुल्ला पहले भी चांदनी और लम्हे फिल्म में यश चोपड़ा के साथ काम कर चुकी थीं। इस कारण उन्होंने मुश्किल होते हुए भी तुरंत अपने वर्कशॉप को फोन किया और 2.5 घंटे के भीतर कॉस्ट्यूम बनाकर दे दिया और वो दृश्य उसी दिन शूट हो पाया। फैक्ट नंबर 14, जूही चावला बताती हैं कि फिल्म डर में काम करना उनके लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि सिवाय शाहरुख खान के, जिनके साथ वो राजू बन गया जेंटलमैन में काम कर चुकी थी, उनके लिए बाकी कलाकार और निर्देशक बिल्कुल नए थे। जूही चावला ने फिल्म चांदनी में एक गेस्ट रोल किया था, पर वो इस आशा में थे कि कभी उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म में हीरोइन बनने का मौका मिलेगा, जो कि डर के साथ पूरा हुआ। वो ये भी बताती हैं कि यश चोपड़ा बहुत ही शर्मीले व्यक्ति थे और अंग्रेजी में वो हिंदी से ज्यादा बेहतर समझाते थे और हिंदी बोलते हुए कई बार हकलाने भी लगते थे। शाहरुख खान ने यश चोपड़ा के हकलाने के स्टाइल को अपनी फिल्म में शामिल किया, जो कि फिल्म की सबसे बड़ी खासियत बन गई। फैक्ट नंबर 15, बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार साल 1993 में अनुपम खेर को दिया गया, जिससे उनके नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वो बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे अभिनेता बन गए जिन्हें लगातार 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया था। उन्हें 1988 में फिल्म विजय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, 1989 में राम लखन के लिए बेस्ट कॉमेडियन, 1990 में डैडी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स, 1991 में लम्हे, 1992 में खेल और 1993 में डर के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। शाहरुख खान और जूही चावला के लिए भी ये बेहतरीन साल साबित हुआ। शाहरुख खान वो पहले अभिनेता बने जिन्हें एक ही साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पॉपुलर और क्रिटिक्स दोनों पुरस्कार हासिल हुए। इसके अलावा उन्हें फिल्म डर के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का भी नामांकन मिला, पर यह पुरस्कार नाना पाटेकर को फिल्म अंगार के लिए दे दिया गया। जूही चावला ने इस साल हम है राही प्यार के, लुटेरे, आईना और डर जैसी हिट फिल्मों की झड़ी सी लगा दी और इसी साल उन्होंने हम है राही प्यार के लिए अपना इकलौता फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। तो ये थी साल 1993 की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म डर पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।